हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हेयर केयर टिप्स के बारे में बातें करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हेयर फॉल इतने क्यों बढ़ गए हैं, हेयर्स की प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ गई है? कभी आपने सोचा ही नहीं। ये टिप्स तो आप लोगों को पता होंगी पहले से, लेकिन क्या आपने कभी अपनी लाइफ में इन टिप्स को इम्प्लीमेंट किया? कभी सोचा कि ये छोटे छोटे बदलाव आपके हेयर्स में क्या चेंजेस ला सकते हैं, कि आपके हेयर फॉल को कम कर सकते हैं? नहीं, कभी हमने इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हमने ध्यान दिया तो किन बातों की तरफ? हमारा हेयर फॉल हो रहा है, हम टीवी में ऐड देखते हैं, महंगे शैम्पू, महंगे कंडीशनर, महंगे हेयर प्रोडक्ट्स ले आते हैं, ना कभी हम उनमें चेक करते हैं कि उनमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, पैराबिन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, केमिकल फ्री है या नहीं। क्या हमने कभी इन बातों की तरफ ध्यान दिया? क्या कभी हमने अपने आप से ये पूछा कि क्या ये मार्केट के प्रोडक्ट से ही हेयर फॉल बंद होगा? क्या हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ चेंजेस करके हेयर फॉल्स को कम नहीं कर सकते? तो फ्रेंड्स, मैं यही छोटे छोटे टिप्स आप लोगों के लिए आज लेके आई हूँ। तो वीडियो हमारा शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमें हमेशा हल्के गुनगुने पानी से हेयर वॉश करने चाहिए। ज़्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा गर्म पानी से हेयर वॉश करेंगे तो हमारे हेयर्स डल, ड्राई और फ्रीजी तो होंगे ना। हमारे हेयर्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, हमें उन्हें हमेशा हल्के गुनगुने पानी से ही वॉश करना चाहिए, जिससे हमारी स्कैल्प की गंदगी अच्छे से साफ हो। टिप नंबर 2, कंडीशनर। फ्रेंड्स, आजकल हम सब जानते हैं कंडीशनर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारे हेयर्स के लिए। बट क्या हम जानते हैं कि कंडीशनर का सही तरीका क्या है अप्लाई करने का? हम नहीं जानते हैं। कई लोगों के हेयर फॉल तो इसी कारण से होते हैं कि उन्हें कंडीशनर अप्लाई करना ही नहीं आता। कई लोग क्या करते हैं, कंडीशनर लेते हैं, अच्छे से पूरे स्कैल्प में मसाज करते हैं और उसके बाद वॉश करते हैं। क्या कंडीशनर हमारे स्कैल्प के लिए बना है कि वो हमारे लेंथ के लिए बना है? कंडीशनर को हमेशा हमें अपने बालों की लेंथ में लगानी चाहिए, ना कि स्कैल्प पे। और कंडीशनर को लगाने के बाद हमें अच्छे से उसे वॉश करना चाहिए। एक बार अपन पानी डालते हैं तो ऐसे लगता है कंडीशनर निकल गया अपने हेयर से, पर नहीं, वो रहता है। उसे हमें बार बार वॉश करना पड़ता है, ज़्यादा पानी यूज़ करके वॉश करना पड़ता है, तब वो अच्छे से निकल पाएगा हमारे हेयर से। टिप नंबर 3, शैम्पू। शैम्पू तो हम सब करते हैं, लेकिन क्या सही तरीका पता है शैम्पू करने का? हमें जो चीज़ें स्कैल्प पे यूज़ करनी है उसे तो हम लेंथ पे यूज़ करते हैं, जो लेंथ पे यूज़ करनी है उसे हम स्कैल्प पे यूज़ करते हैं। ये तो गलत है ना। शैम्पू हमेशा अपने स्कैल्प पे यूज़ करनी चाहिए। जो डर्ट, डस्ट, गंदगी है वो हमारे स्कैल्प पे है, ना कि लेंथ पे। लेंथ पे भी वॉश करो, लेकिन फोकस स्कैल्प पे होना चाहिए। तो कैसे यूज़ करना चाहिए शैम्पू? हमेशा हमें शैम्पू लेना चाहिए, उसे डबल क्वांटिटी में वाटर मिक्स करना चाहिए उसमें, फिर उसे डाइल्यूट करके अपने स्कैल्प पे अप्लाई करना चाहिए। और शैम्पू लगाने के बाद हमें अपने हेयर्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि कुछ भी रेस्क्यू ना रहे हमारे हेयर्स में। अगर वो रह जाते हैं तो हेयर फॉल्स तो बढ़ेंगे ना। टिप नंबर 4, हम हेयर वॉश कर लेते हैं। इन बातों का तो ध्यान रखा हमने, क्या हमने ड्राई करने की तरफ ध्यान दिया, अपने हेयर्स को कैसे ड्राई करना चाहिए? हम क्या करते हैं, हेयर वॉश किया, टॉवल को पूरा लपेट के छोड़ देते हैं। बट ये गलत है, उससे भी हेयर फॉल होते हैं, वो भी एक रीज़न है। हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास कोई कॉटन की पुरानी शर्ट या कॉटन का कोई कपड़ा होगा पुराना, उससे अपने हेयर्स को ड्राई करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे देखना आपके हेयर फॉल में कितना फ़र्क पड़ता है। नंबर 5, हम लोग अच्छे दिखने के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए अपने हेयर्स पे कितना जुल्म करते हैं ना, जो कि कितना गलत है। कितने हीट प्रोडक्ट्स आजकल हम यूज़ करते हैं, ड्रायर, स्ट्रेटनर, कर्लर, पर वो हमारे हेयर्स को कितने डैमेज करते हैं, कितने गंदे तरीके से। बाल तो कमज़ोर होते हैं ना वो प्रोडक्ट से, तो हमें कोशिश ये करनी है कि जितना कम हो सके ये सब प्रोडक्ट्स को उतना कम यूज़ करें। कम्प्लीटली तो एलिमिनेट नहीं कर सकते इन प्रोडक्ट्स का यूज़ हम अपनी लाइफ से, बट हाँ, कंट्रोल तो कर सकते हैं इन चीज़ों को, तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। और हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हेयर्स जो हैं वो अच्छे से ड्राई हों, गीले ना हों। अगर गीले बालों में हम हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो हमारे बाल और ज़्यादा डैमेज होते हैं। टिप नंबर 6, लाइफस्टाइल में बदलाव। हमारी लाइफस्टाइल कितनी भागम भाग हो गई है, हम कितना भागते हैं, हम अपने अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं।
जो कि ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे हेयर फॉल्स इतने बढ़ गए हैं। हम कॉलेज जाते हैं, लेट होता है, हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, जो कितना गलत है। रात के हम खाना खाए हुए होते हैं, 12 घंटे, ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद भी अगर आप उसको भी स्किप करोगे तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, आपकी हेयर्स को प्रोटीन्स कहाँ से मिलेंगे। तो उन बातों का ध्यान रखना है हमें कि हम अपने मील्स को टाइम टू टाइम लें, स्किप ना करें, और हाई प्रोटीन डाइट लें। बालों के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके पास तो बहुत सारे सोर्स होते हैं प्रोटीन के, बट जो लोग वेज खाते हैं उनके पास बहुत लिमिटेड सोर्स होते हैं प्रोटीन के। तो प्लीज़ अपनी प्रोटीन इंटेक पे पूरा ध्यान दें कि कैसे हम प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में अपना लें, उससे हेयर फॉल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। टिप नंबर 7, स्ट्रेस। फ्रेंड्स, आज की लाइफस्टाइल में मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। स्ट्रेस तो होता है हर किसी को, लेकिन उसे हम कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। आजकल हम रात में सोते हैं तो सोचते हैं कल हमें यहाँ जाना है, कल हमें वहाँ जाना है, कल हमें ये करना है। फ्रेंड्स, हम सो रहे हैं तो सोने की तरफ फोकस करना चाहिए ना। सेम, जो काम कर रहे हैं हम उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि दिमाग में कुछ और चीज़ें चलाना चाहिए। हम सोचते हैं हम स्ट्रेस तो ले ही नहीं रहे, पर कहीं ना कहीं हम स्ट्रेस लेते हैं जो हमें भी पता नहीं चलता। जब भी आपको लगे कि आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप अपनी रूटीन से थोड़ा टाइम निकालें, थोड़ा घूमने को जाएं, थोड़ा गार्डन जाएं वॉक करने, फ्रेंड्स के साथ मूवी जाएं, उससे आपके स्ट्रेस कंट्रोल में रहेगा। और स्ट्रेस भी बहुत बड़ा कारण है हेयर फॉल का। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मेरी ये सब टिप्स आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी, और ये सब टिप्स अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो 60% हेयर फॉल आप लोगों का कम हो जाएगा। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आऊँ, ताकि मैं आप लोगों के सजेशंस पे वर्क कर सकूँ। बाय बाय।